Hello guys, how are you? Hi. How are you? मैं कैसे हूँ पे? ओके गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा की रहमतें बरकतें आपके घर में हमेशा बनी रहें। और गाइस, आज का हमारा नया व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। और गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मजे का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ होने वाला है। तो गाइस, अभी हमारे पास टाइम जरा शॉर्ट है, तो हम अब जल्दी से रेडी होने लगे हैं। फिर आपको लेके जाना है उन्हें एक लोकेशन पे, और वो लोकेशन बहुत ही मजे की है। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं, और जो है आप लोग जरूर वहाँ जाके एंजॉय करोगे। और सब कुछ मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, इसके लिए आपको हमारा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। सो हम अब जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं, राइट नेथन? हाँ, हम जल्दी से रेडी होते हैं और जल्दी से लोकेशन पे जाते हैं। ओके बाय। चलें जी, नेथन साहब तो रेडी हो गए हैं, बाबा उनको रेडी कर रहे हैं। नेथन साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं। वाओ नेथन, मैं रेडी होता हूँ। नेथन बड़ा हैंडसम लग रहा है। माँ गाइस, अभी हम रेडी हो गए हैं। नेथन भी कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, और अभी हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पर। और गाइस, आपको मैं बता दूं जरा, वो है एक नूडल शॉप। और वो इसलिए मैं कह रही थी बहुत ब्लेस्ड है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ के जो सारे वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे वर्कर्स जो है वो थोड़ा से मीन्स के उम्र रसीदा हैं। और इसलिए वो, आपको पता है कि जब हम गाइस, आप लोग जानते हैं, जब भी हम जैसे बुजुर्गों को बना हुआ हाथ का खाना खाते हैं, वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है। तो इसलिए वो शॉप भी बहुत ब्लेसिंग से भरी हुई है। और चलें, अब हम आपको लेके जाते हैं नूडल शॉप पर, राइट नेथन? अब नेथन और मामा जा रहे हैं नूडल शॉप पर। ये बाय। चलें गाइस, अब हम जा रहे हैं नूडल शॉप पे। नेथन को वैसे भी नूडल्स बहुत पसंद है, तो हम जा रहे हैं। और मुझे गाइस वैसे भी जो है ना, जो ये ऑल पीपल होते हैं, इनके साथ बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि हमारी मेरे ना दादा दादी की भी डेथ हो गई है और मेरे नाना नानी की भी डेथ हो गई है। तो मेरी अटैचमेंट थी मेरे दादा के साथ बहुत ज़्यादा। वो तो जब मैं 8 क्लास में थी तब उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे वो। और गाइस, ये है नूडल शॉप। और गाइस, ये है प्रकसम 69। और आप, ये इनकी लोकेशन है, और सुबह 6 से 4 बजे तक ये ऑन रहती है। ओके गाइस, हम आ गए हैं नूडल शॉप पे। और ये देखें, ये इनकी नूडल शॉप है। और ये बीफ है इनके पास, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस मीट, और मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ये देखें ज़रा गाइस, कितनी सफाई है इनके रेस्टोरेंट में, और कितने मैनेजेबल तरीके से इन्होंने सारा अपना रेस्टोरेंट जो है वो सेट किया हुआ है। गाइस, अभी इनके काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी इनकी क्लोजिंग टाइम है और काफ़ी ज़्यादा वर्कर चले गए, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो वाओ, नेथन गेट्स गिफ्ट्स। नेथन को जो है ये थाई पीपल्स ने गिफ्ट दी हैं, योगर्ट प्लस चॉकलेट। ओके गाइस, हम इनसे जो है एक नूडल का बॉल बनवाते हैं, क्योंकि नूडल्स मैं लाइक करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा करते नहीं हैं, तो चलो मैं अपने लिए बनवाती हूँ। ओके गाइस, अब हम इनसे पूछेंगे कि इनकी शॉप का
जो है इन बाउल्स का क्या रेट है. ओके व्हाट प्राइस ऑफ दिस बाउल? दिस वन कॉस्ट 70 बात एंड दिस स्पेशल प्राइस 90 बात. गाइस इनके देखिए जरा प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है. ओके मेक वन बाउल फॉर मी. ओके नाउ दिस इज नूडल. कैन ओके इनके पास गाइस थ्री टाइप्स के जो है नूडल्स हैं. तो हम ये वाले ट्राई करेंगे. ओके ये मेरे लिए अभी एक बाउल बन रहा है, रेडी हो रहा है नूडल्स का. तो हम आपको मेकिंग दिखाते हैं इनकी. देखें जरा इन्होंने ये इसके अंदर ये नूडल्स डाल दिए हैं जो उनसे मैंने सेलेक्ट किए थे. वो अब जाएंगे सूप के अंदर और सूप के अंदर जाके ही ये रेडी होंगे. गाइस बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये रेडी करते हैं. ओके नूडल्स आ गए हैं बाउल में. ग्रीन लीव्स के ऊपर आगे हैं नूडल्स एंड देन दे ऐड मीट. ओके ओके व्हाट नेम ऑफ दिस मीट? दिस बीफ. बीफ ओके दिस बीफ. ओके जी अब मीट रेडी हो रहा है. ओके वो भी आ गया है नूडल्स पर. इट्स नॉट कुक प्रॉपरली. इट्स कुक प्रॉपरली. ओके ओके वो गाइस थोड़ा सा डर लग रहा था. मैंने कहा था अच्छे से कुछ नहीं होगा. कहते नहीं कुक हो गया. ओके गाइस बाउल इज रेडी और ये फ्राइड ऑनियन है ये भी जाएंगे इसके अंदर और ये इनका स्पाइस ये भी चला गया. ओके जी रेडी टू सर्व. और नेथन और मामा के नूडल्स आ चुके हैं जी. और नेथन और मामा अभी खाएंगे नूडल्स. नेथन नूडल्स आ गए हैं. आप खुश हो? आप खुश हो नूडल्स आ गए हैं. हाँ नेथन बहुत खुश है. गाइस देखें कितने अच्छे लोग हैं स्माइली से. और ये सब जो है 55 प्लस हैं. और देख लें कितने एक्टिव लोग हैं. और मुझे थाई लोग जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हर वो स्माइल करते रहते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं. और गाइस देखें इनकी जो सारी टेबल की सेटिंग कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज है. एंड अभी मैं अपने नूडल टेस्ट करती हूँ और आपको रिव्यू देती हूँ. अभी मैं आपको टेस्ट करके इसका रिव्यू दूंगी. देखिए इन्होंने ये चिकन बॉल भी डाला हुआ है इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी. हाँ जी चिकन बॉल खाएगा मेरा बेटा. और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने ये जो है मीट डाला हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इनका ये 70 रुपीज बात का जो ये बाउल का जो बाउल है ये भी बहुत ही देखिए फुल है. और आप एक पर्सन कह लो कि बहुत ही अच्छे से ये इंजॉय कर सकते हैं और उसका वन टाइम का मील बहुत ज़बरदस्त. ओके अब हम इसके अंदर ये इनकी जो ड्रेस स्पेशली सॉस है वो हम ऐड करेंगे और मैं आपको टेस्ट करके इसका रिव्यू. रुके मैं थोड़े से नेथन को शेयर कर दूँ क्योंकि नेथन से देखिए. ओके गाइस मैं अब आपको रिव्यू देती हूँ इसका. ज़बरदस्त गाइस ये जो इनका सूप है ये भी जो मीट के अंदर काफ़ी टाइम से इन्होंने जब इसके अंदर ना काट के बनाए हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा फ्लेवर आ रहा है. और ये जो रेड सॉस है इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसके साथ बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो रहा है. तो मैं जो है वन मोर इसका लेती हूँ और फिर मैं वेट. ज़बरदस्त गाइस आप लोग मस्त आएँ और इसको ट्राई करें और ये सारा लोगों से मिलें और आपको बहुत ही अच्छा सुकून आएगा. और क्योंकि आप जब हमेशा आप लोग जब जाते हो ना
बड़ी बड़ी शॉप में जाके उनसे सब्जियाँ खरीदते हो और वही चीज़ें जो बाहर एक बुजुर्ग लोग आगे बैठा होता है आप उनसे नहीं लेते हैं। गाइस आप उनसे खरीदा करें तो फिर उनके फेस पर जो स्माइल आती है और जो उनके जिससे आपकी दवाएँ निकलती हैं वो काउंटलेस होती हैं। इसलिए ट्राई किया करें कि कुछ चीज़ें जो बाहर रोड पे लोग जो स्टॉल्स लगा कर बैठे होते हैं जो रेडियो लगा कर बैठे होते हैं तो उनसे भी खरीदा करें। ठीक है गाइस अभी मैं ये फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। ओके बाय। अच्छा तो गाइस नेथन अभी जो ड्रिंक हमें गिफ्ट मिला है वो ट्राई कर रहा है और नेथन अभी अपने रिव्यूज देगा। जी नेथन ड्रिंक कैसा है? मजे का। बहुत मजे का। आप जरा आप प्लीज मेरी तरफ देख के बताएंगे जरा? सो नेथन ड्रिंक आपको कैसी लगी? बहुत मजे की। नेथन जल्दी फिनिश करें ना। हा? जल्दी फिनिश करें। नेथन जो है वो बहुत ही एंजॉय कर रहा है नूडल्स को क्योंकि नूडल्स उसके बहुत फेवरेट हैं। नूडल्स उसके फेवरेट हैं। बहुत फेवरेट है। और वो और उसको जब से पता चला कि हम नूडल्स का आज व्लॉग बना रहे हैं नूडल्स शॉप पे जा रहे हैं वो बहुत एक्साइटेड था और यू कैन सी कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। ये जी नेथन को गिफ्ट मिला योगर्ट, ये एक चॉकलेट है, ये ड्रिंक है जी, ये गिफ्ट्स मिले हैं। नेथन जल्दी जल्दी फिनिश करें, जल्दी जल्दी। देखे नेथन कितना ट्रेंड है, जैसे प्रोफेशनली खा रहा है नूडल्स। देखिए गाइस इन्होंने टेबल के ऊपर ही काफ़ी स्पाइसेस भी रखे हुए हैं और चेक करें आप, अगर आपको अगर ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। सॉस है चिली सॉस, जैसे इंटरमीडिएट सॉस है और इवन कि इन्होंने चॉपस्टिक्स भी रखी हुई हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले लो। एंड टिशू ये सारी जो है उन्होंने इवन के वाटर बॉटल्स भी, कि आपको कुछ भी चाहिए तो वो आपके टेबल्स पे अवेलेबल है। ये देखिए सारे टेबल्स पे उन्होंने इसी तरह से ही सेटिंग की हुई है कि जिसको जो चाहिए वो अपने टेबल से ले लें। एक कॉमन एथिक है कि जब आपने खाना है तो खाने के बाद ये नहीं कि आपने बर्तन अपने वहीं पे छोड़ जाने हैं, आपने अपने सारे बर्तन अरेंज करने हैं। ठीक है टिश्यू लेना है, टिश्यू के साथ अपना टेबल साफ करना है। अरे खाना पीड़ित हो गए बाबा। खाने पीड़ित हो गए आपने यहाँ से उठना है। ठीक है और ये बर्तन से यहाँ से बर्तन ले जाएंगे उनको भी उठाने में मुश्किल नहीं होगी, तो आप ये थोड़ा सा अपने यहाँ के जो रेस्टोरेंट के बर्तन होते हैं थोड़ी सी आप बस हम इनको कह रहे हैं कि ये हमसे बिल लें बट वो कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं लेना, तो हम फिर भी इनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये हमसे जो है
वो इस बाउल के पेमेंट लें। Bless you all. God bless you. Bye. Hey guys, आज का हमारा नूडल शॉप का आपको कैसा लगा व्लॉग? Guys, वो वहाँ के सारे वर्कर्स जो हैं वो 50-55 प्लस हैं और देखें जरा कितने यंग लगते हैं क्योंकि थाई फूड है ही बहुत हेल्दी, ठीक है, और वो वाकई बहुत यमी है। और जो जो हमारे यहाँ वीडियो थाईलैंड से देख रहा है वो जरूर जाए और ट्राई करे और गाइस उनकी हेल्प करे। आप जानते हैं फैंसी रेस्टोरेंट्स में तो सब जाते हैं और वहाँ पे इतने इतने हजारों रुपए लगा के हम लोग खाना खाते हैं, तो इनके देखिए रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और खाना भी इतना यमी, इतने यमी इनके सूप और नूडल्स हैं। तो आप लोग ज़रूर जाएं और ट्राई करें और इस जाने से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग भी मिलेंगी। और आप सिर्फ वहाँ से खाना खा के नहीं आओगे बल्कि बहुत सी ब्लेसिंग्स भी लेके आओगे। और गाइस आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा और हमारे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें। और गाइस अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और हमारे आने वाले व्लॉग्स बहुत ही मज़े के होने वाले हैं, आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। ओके गाइस बाय।